दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आईटीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए आज बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज आईटीसी लिमिटेड की 110वीं एनुअल जनरल मीटिंग यहां पर हेल्ड होने वाली थी। तो एनुअल जनरल मीटिंग की क्या आउटकम्स निकल कर आए हैं, या शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो कुछ बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आई हैं, जैसे कि सुपर ऐप से रिलेटेड, न्यू एक्विजिशन से रिलेटेड। तो सारी अपडेट्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आईटीसी लिमिटेड के आज की ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो आज किसी प्रकार का बड़ा मूवमेंट हमें आईटीसी के अंदर देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर वॉल्यूम में इस काम की बात करें तो आईटीसी लिमिटेड के अंदर आज के दिन भी हमें 1,54,00,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली, जिसके सामने लगभग 60% क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर आज भी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, एजीएम के क्या आउटकम्स निकल कर आए हैं, सबसे पहले उनकी तरफ चलते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है कि आईटीसी लिमिटेड की आज 110वीं एनुअल जनरल मीटिंग यहां पर होने वाली थी, और उस एनुअल जनरल मीटिंग की अपडेट्स यहां पर निकल कर आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉरपोरेट अनाउंसमेंट में 3 बड़ी अपडेट्स आज के दिन की हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर कंपनी के एजीएम के आउटकम्स के ऊपर लेकर चलता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं आईटीसी रिपोर्ट्स बिजनेस रिकवरी डिस्पाइट नियर टर्म रिस्क ड्यू टू कोविड। तो यहां पर कोविड को देखते हुए आईटीसी लिमिटेड के सीएमडी यानी कि जो डायरेक्टर हैं संजीव पुरी, उनकी तरफ से जो अपडेट्स निकल कर आई है उसमें आप देख सकते हैं, डिस्पाइट द नियर टर्म अनसर्टेनिटीज फ्रॉम द पेंडेमिक बिजनेस रिकवरी इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ द सेकेंड वेव लेट डाउन हैज बीन इनकरेजिंग। यानी कि आईटीसी लिमिटेड के अंदर आपको जैसा कि पता है कि इनके होटल बिजनेस को और साथ ही साथ इनका जो एग्रीकल्चर का बिजनेस है उन्हें यहाँ पर पैंडेमिक के टाइम पर यानी कि कोविड-19 की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन आफ्टर द कोविड-19 सेकेंड वेव यहाँ पर जो रिकवरी है वो बहुत ही शानदार निकल कर आ रही है, ऐसा यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन की तरफ से अपडेट्स निकल कर आई है। साथ ही साथ अगर इनके एफएमसीजी सेक्टर की बात करी जाए तो आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन की तरफ से जो एफएमसीजी सेक्टर को लेकर अपडेट्स आई है, आइए उसे भी जान लेते हैं। तो द एफएमसीजी पोर्टफोलियो हैज बीन रिवाइटलाइज्ड टू मेक इन फ्यूचर रेडी एड्रेस इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड डेवलप कैटेगरीज फॉर द फ्यूचर पर्पजफुल ब्रांड्स एंकर लार्ज कैटेगरीज एंड हैव इमेंस हेडरूम टू ग्रो ही टोल्ड शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द 110th एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रो कर रहा है, और आईटीसी लिमिटेड जो चेयरमैन है संजीव पुरी, उनकी तरफ से एक और अपडेट्स यही निकल कर आई है कि उनका जो एम है आईटीसी लिमिटेड को एफएमसीजी सेक्टर के अंदर नंबर 1 कंपनी बनाना। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में आईटीसी लिमिटेड का नाम अभी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आईटीसी लिमिटेड अब डिजिटलाइजेशन पर एंड सस्टेनेबिलिटी पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है, और यही इनकी न्यू स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आईटीसी लिमिटेड की तरफ से सुपर ऐप की क्या अपडेट्स निकल कर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आईटीसी लिमिटेड का जो बिजनेस है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, यानी कि कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में तो काम करती ही है, लेकिन इसी के साथ में होटल बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस पर भी इनका बहुत बड़ा फोकस रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस की तरफ से जो अपडेट्स निकल कर आई है, जिसमें अकॉर्डिंग टू संजीव पुरी आईटीसी विल लॉन्च अ सुपर ऐप ड्यूरिंग द ईयर कॉल्ड आईटीसी मार्स, यानी कि इस सुपर ऐप का जो नाम दिया गया है आईटीसी मार्स, यानी कि मेटा मार्केट फॉर एडवांस्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल सर्विसेज। दिस विल ऑगमेंट द ई कॉपल इनिशिएटिव्स एंड क्रिएट अ रोबस्ट फिजिकल इकोसिस्टम फॉर कस्टमाइज्ड एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो ये सुपर ऐप की लॉन्चिंग की अपडेट्स निकल कर आई है, ये एक्चुअल में पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बिजनेस पर यहाँ पर डिपेंड होने वाला है। तो आईटीसी लिमिटेड अब अपने बिजनेस को पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर फोकस कर रही है। साथ ही साथ जो और अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। वाइल वेरियस बिजनेस वर्टिकल्स लाइक सिगरेट्स, होटल्स एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैव बीन हिट बाय द पेंडेमिक, ई कॉमर्स सेल्स हैव डबल्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईटीसी लिमिटेड की जो ई कॉमर्स की सेल्स है उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण अब कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस डिजिटलाइजेशन पर कर रही है।
E-commerce sales have doubled, encouraged by the positive consumer response to the repositioning of premium brands like Fiamma Digital First, once the company is progressively introducing more digital first brands. अब बात कर लेते हैं ITC Limited की तरफ से acquisition को लेकर क्या updates निकल कर आई है। तो आप देख सकते हैं, the company is pursuing an accelerated journey to build a dynamic future tech enterprise by investing in cutting edge digital technologies। तो यहाँ पर कंपनी acquisition करने जा रही है future tech का, to shape a new paradigm of competitiveness, create innovative business models and tap newer opportunities। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसमें कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और बड़ी बड़ी एक्विजिशन भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व की किसी प्रकार से यहाँ पर कमी नहीं है। कंपनी के रिजर्व, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करे थे, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, जिसके कारण आपको ITC लिमिटेड के अंदर आने वाले फ्यूचर में डिविडेंड तो डेफिनेटली मिलने ही वाला है। साथ ही साथ अगर हम ITC लिमिटेड के की मेट्रिक्स पॉइंट्स की तरफ भी अगर फोकस करें, तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है, वही यहां से काफ़ी शानदार निकल कर आता है। लगभग 5.25% का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज कंपनी का निकल कर आता है। इसी के साथ में एक अंडर वैल्यूड शेयर्स आपको एक मिनिमम शेयर प्राइस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ITC लिमिटेड के अंदर अभी किसी प्रकार का ब्रेकआउट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर जब भी आपको इस सेक्टर में, यानी कि ITC लिमिटेड के अंदर ब्रेकआउट बनते हुए देखने को मिलेगा, जब डेफिनेटली इसकी शेयर प्राइस बहुत ही शानदार तेजी से ग्रो करेगी। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, और पेशेंस हर किसी में नहीं होता है। अगर हम फोरकास्ट एंड रेटिंग की बात करें, तो लगभग 72% एनालिस्ट इस शेयर को लेकर बाय की रेटिंग दे रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट आउटकम्स ITC लिमिटेड के AGM के अंदर आज के दिन निकल कर आए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ डीमर्जर से लेकर कोई बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर नहीं आई हैं। डीमर्जर से बड़ी अपडेट्स आपको आने वाले 1 साल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी इस पर कुछ प्लान कर सकती है। लेकिन ये सब फ्यूचर की बातें हैं, अभी किसी प्रकार से कोई अपडेट्स यहां पर निकल कर नहीं आई है। कल आपको IRCTC के यहां पर फाइनेंशियल रिजल्ट और स्प्लिट से जुड़ी न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। तो IRCTC जैसे ही अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, आपको हमारे इस चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ परसों के दिन आपको IRFC के रिजल्ट भी देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे रिजल्ट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।